पीछे पड़े कैबिनेट के बारे में, ताकि आपके पैसे वेस्ट ना हो। मैंने भाई जो झेला है वो आप नहीं झेले, इसलिए वीडियो को एंड तक देख लेना। और आज हम बात करेंगे इस एनटेक के NX 210 के बारे में, पूरा रिव्यू दूंगा कि कैसा है कैसा नहीं है, किसको लेना चाहिए ये किसको नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे बात करूँ सबसे अच्छी बात की, तो इसके अंदर आपको 4 RGB फैंस देखने को मिलते हैं प्री इंस्टॉल। ये इसकी सबसे अच्छी बात है सबसे कम प्राइस में। बट आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, भाई कंट्रोल कर सकते तो मज़ा आ जाता, काफ़ी कमाल का कैबिनेट होता, बट आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ पे भाई बात करूँ मैं इस कैबिनेट के बारे में, तो भाई यहाँ पे सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी कि जब आप इसके जो टेम्पर्ड ग्लास है साइड वाला उसको ओपन करते हो, उसकी स्क्रूज निकालते हो, तो कुछ कुछ टेम्पर्ड ग्लास होते हैं वो गिर जाते हैं, तो ये नहीं गिरता क्योंकि ये अटका रहता है। इसके जो होल्स होते हैं जहाँ पे आप स्क्रू लगाते हो, तो वहाँ पे रबड़ देखने को मिलता है आपको, जिसकी वजह से ये अटका रहता है। और ये अच्छी बात है, वरना पैसे का जुगाड़ आपका हो जाएगा अगर नीचे गिर गया टेम्पर्ड ग्लास। अब हम बात करें यहाँ पे कि यहाँ पे भाई एयर फ्लो के लिए आपको साइड में, आपको एयर फ्लो के लिए ये मेश जाली देखने को मिलती है जो प्लास्टिक की है, आपको दोनों साइड देखने को मिलती है इसके अंदर। और यहाँ पे भाई बात करूँ इसके बारे में, तो भाई फ्रंट में और साइड में आपको टेम्पर्ड ग्लास देखने को मिलता है। यहाँ पे भाई बात करूँ इसके बारे में टॉप के बारे में, तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छी बात है, एनटेक ने काफ़ी अच्छा काम किया है। बट भाई यहाँ पे आप इसके अंदर ऊपर की तरफ फैंस इंस्टॉल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ऊपर की तरफ PSU श्राउड है ही नहीं। वैसे तो आप अपने PSU ऊपर लगाओगे जो काफ़ी ज़्यादा भद्दा दिखता है, और मैंने क्यों लिया मैं खुद पछता रहा हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा भद्दा दिखता है। और भाई मत लेना इसको यहाँ पे, और पता नहीं ऊपर कैसे मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर दे दिया, यहाँ पे फैंस ही आप नहीं लगा सकते तो मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर का क्या फ़ायदा। पर कोई नहीं, दिया है थोड़ी बहुत एयर फ्लो तो बनी रहेगी। यहाँ पे भाई बात करूँ केबल मैनेजमेंट की, तो भाई केबल मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। अगर आप इसके अंदर केबल मैनेजमेंट करते हो, बजट कैटेगरी में हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वरना भाई काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो यहाँ पे भाई जो इस महामारी से नहीं झेलना चाहते तो मत लेना इसको। अब मैं बात करूँ यहाँ पे इसके बारे में, तो भाई PSU श्राउड नहीं है, तो जिसको कोई दिक्कत नहीं है PSU श्राउड से वो ले सकता है। और भाई PSU श्राउड होती है तो केबल मैनेजमेंट अच्छा होता है, और दूसरी बात आपकी PSU छुप जाती है जो आपके PCU को काफ़ी ज़्यादा कमाल बना देती है एकदम से। भाई आपका जो कैबिनेट है वो काफ़ी कमाल दिखता है, काफ़ी नीट दिखता है, उसकी केबल्स काफ़ी अच्छे से मैनेज होती है, और केबल मैनेजमेंट बच्चों वाला खेल हो जाता है। और जो भाई बिगनर्स है जो फर्स्ट टाइम PC बिल्ड कर रहे हैं, उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे जाल बुनने जैसा है इसके अंदर केबल मैनेजमेंट करना। बात करूँ यहाँ पे स्टोरेज के बारे में, तो आप इसके अंदर एक हार्ड ड्राइव लगा सकते हो, और तीन तीन चार चार SSD लगा सकते हो आप इसके अंदर। यहाँ पे भाई 4 SSD लगा सकते हो, बट बजट वाले नहीं लगाने वाले मेरे को पता है, तो 4 4 SSD लगा सकते हो, हार्ड ड्राइव एक ही लगा सकते हो। बात करूँ यहाँ पे आपको बटन कौन कौन से मिलते हैं, तो यहाँ पे एक आपको पावर बटन, यहाँ पे आपको एक रिस्टार्ट बटन, और यहाँ पे आपको एक 3.0 का USB, और बाकी 2.0 के 2 USB देखने को मिलते हैं। यहाँ पे भाई RGB के लिए कंट्रोलर देखने को मिलता है जो बकवास भद्दा है एकदम से, कोई फ़ायदा नहीं इसका क्योंकि आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते इसके RGB। अब मैं बात करूँ यहाँ पे भाई इस कैबिनेट के बारे में, तो भाई ये कैबिनेट किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, तो भाई ये जो 30,000 तक का PC बिल्ड कर रहे हैं उसके लिए सबसे बेस्ट कैबिनेट है, वरना जो 40 या 50,000 या उससे भी ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने वाले के लिए तो और ही ज़्यादा महंगे ले सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो 40,000 या 50,000 से ऊपर जा रहे हैं, तो भाई मैं कहता हूँ आप कम से कम 4,000 रुपये इन्वेस्ट करो कैबिनेट पे, या इससे अच्छा आप एंटी स्पोर्ट्स का 200 TG ले लो, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, फैंस प्री इंस्टॉल नहीं है पर भाई उसके अंदर आप RGB कंट्रोल कर सकते हो, और एयर फ्लो भी उसका इतना अच्छा नहीं है पर इससे तो काफ़ी अच्छा है RGB। अगर आपको टशन दिखाना है, लुक दिखाने हैं अगर कैबिनेट के, तो आप वो ले सकते हो। और बात करूँ आप थोड़ा सा और इन्वेस्ट करके, यहाँ पे आप ले सकते हो चिप्सोनिक्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा अच्छा कैबिनेट आता है GX 3000, और यहाँ पे आपको एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से काफ़ी कमाल कमाल के यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं कैबिनेट्स, तो आप उनकी तरफ जा सकते हो। एनटेक के भी काफ़ी अच्छे आते हैं थोड़े से और रुपये, अगर
आप इन्वेस्ट कर देते हो तो उसके भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे कैबिनेट्स आते हैं, आप उनकी तरफ जा सकते हो। और जो 30,000 तक या फिर 35,000 तक पीसी बिल्ड कर रहे हैं, जो एपीयू पे पीसी बिल्ड कर रहे हैं, वो आप लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से ले सकते हो। उनके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि उनको बजट में रहकर सब कुछ करना पड़ता है। तो मैं तो कहता हूँ इससे भी सस्ता लो, पर यहाँ तक जा सकते हो आप। बट भाई, जो 50 to 60,000 या 70, 80 वालों को तो पता नहीं वो कौन सा ही लेंगे, तो भाई मत लेना ये। अगर आप 50 या 60,000 का पीसी बिल्ड कर रहे हो, इससे ज़्यादा अच्छे पीसी कैबिनेट्स आते हैं, आप उनकी तरफ जा सकते हो, और वहाँ पे आप अपने आरजीबी कंट्रोल कर सकते हो। तो बस भाई, ये था हमारा आज का पीसी कैबिनेट, जो इस महामारी को लेने से बचाया है मैंने। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में कुछ भी पूछो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।